गाइस, आप चाहते हो कि मुंबई एक ही दिन में हम सारा घूम ले या नई नई प्लेसेस जुहू चौपाटी बैंड स्टैंड सब कुछ घूम ले, तो आप गेटवे ऑफ इंडिया पे चले जाएं और वहां पे 250 रुपए की टिकट मिलती है, पूरा दिन आपको बस टूर कराया जाएगा। चलिए गार्ड से पूछते हैं। ग्रुप रहता आपस में खेलने लग के लाल पीला हरा पत्ता, हारने जीतने वाले उनके आदमी रहते और उनकी कहीं पे भी कंप्लेंट ले ली जाती। और देखिए, खास करके बात करें आपको क्लीनर वाले से, आप पान गुटखा खाते खाइए मना नहीं, लेकिन पान गुटखा खा के रोड पे थूकना मना है। पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना अलाउड नहीं। कुछ भी चीज़ खाते पीते तो उसका कचरा रोड पे नहीं फेंकना है। हर जगह पे डस्टबिन का उपयोग करना है और हर जगह पे मास्क कंपलसरी है। वापस एक बार बता रहा हूँ, गाड़ी में बैठेंगे तो भी मास्क कंपलसरी है, तो पकड़ लेंगे तो 200 रुपये फाइन है। अब उनसे बहस करने जाएंगे सीधा हवलदार को बुलाएंगे, चौकी लेके जाएंगे, 1200 रुपये हो जाएगा, 200 का 1200 रुपये भरना पड़ेगा। तो ये बात पे गौर करना है। और गाड़ी के अंदर कोई भी कीमती सामान नहीं छोड़ना। आपके पास जो भी कॉस्टली लगेज है, मनी पर्स, मोबाइल, कैमरा, लेडीज पर्स, लैपटॉप, एनीथिंग जो भी कॉस्टली है आपके पास, वो हर चीज़ आपको साथ में लेके घूमना है। गाड़ी के अंदर वही चीज़ छोड़ सकते, खाने पीने का सामान, कपड़े का लगेज और पानी की बोतल। और खाने में क्या लाए मुझे बता के जाएंगे, खाऊंगा नहीं हिफाजत करूंगा। मतलब ये, जब नीचे उतरेंगे पॉइंट देखने के लिए, तो आपका कीमती सामान गाड़ी में नहीं छोड़ना, उसे साथ में लेके जाना। खाने का सामान जाएगा चलेगा, दूसरा ले सकते, बड़ा चीज़ जाएगा कॉस्टली तो वो लेना मुश्किल होता है, इसके लिए बता रहा हूँ। और ये टूर स्टार्ट करने से पहले आपने जो टिकट बाय किए 250-300 जो भी रेट में, ओनली बस में घूमने का भाड़ा है। सुबह से लेके बस घुमाएगी ना 130-140 किलोमीटर, उसका फेयर दिया आपने। मुंबई दर्शन इतना सस्ता नहीं है कि चलो 250-300 रुपया दिए, चलो मुंबई दर्शन घुमाएंगे, खिला पिला के छोड़ देंगे शाम को। आज आपके पूरे दिन में 290 रुपये, 290 आपके खर्च होने वाले। और दो प्रकार के खर्चे, पहला तो आप दोपहर के समय भूख आपको लगेगी, होटल के पास गाड़ी हम खड़े करेंगे, समय भी हम देंगे। खाली आपको दो चीज़ करना है, एक तो खाना खाना और बिल देना, और खाली बिल नहीं देना है साथ में पैसा भी देना है। मैं तो बोलेंगे गाइड ने कहा था खाली बिल देने, गाइड आके पैसा दे देगा। ऐसे भी रहते कोई लोग बिल लेके आ गए आपको भी देना। और दूसरा एक खर्चा है एंट्री फी। आपको एक टिकट बनाने पहले एक लिस्ट दिखा रहेगा, 29-30 पॉइंट घुमाएगा, दिखाए ना, जिसमें कुछ ऐसे प्लेस है जो ऑन द वे दिखाए हूँ, जैसे कि अभी मंत्रालय, विधान भवन, वानखेड़े स्टेडियम, असेंबली हॉल, ये सब दिखाए आपको, आगे भी दिखाऊंगा। ऐसे रनिंग पॉइंट आएंगे। और जो होल्ड पॉइंट है गेट ऑफ इंडिया देखा, वहाँ पे गाड़ी रुकी थी, अभी हैंगिंग गार्डन में गाड़ी रुकेगी, फिर महालक्ष्मी, फिर जू बीच, यहाँ पे गाड़ी होल्ड करेगी। क्योंकि हमारे टूर में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है नेहरू साइंस सेंटर। अब ये 290 आपके कहाँ का कितने कितने खर्च होंगे वो नोट करेंगे, जिसमें से 290 में से आपका 40 रुपये का कोई हिसाब नहीं रहेगा, कोई टिकट नहीं रहेगा, और 40 में से 30 रुपये रहता है गाइड का सर्विस चार्ज, और 10 रुपये होता है सीलिंग का टोल। जो सीलिंग ब्रिज बने ना समुंदर के पीछे बैंड्रा टू वर्ली, उसका टोल 10 रुपीस, और बाकी 250 रुपये आपका टिकट में खर्चा होएगा। अब ये 250 रुपये कहाँ खर्चा होएगा, देखिए नेहरू साइंस सेंटर एक बड़ा प्लेस है, वहाँ पे गाड़ी गेट पे इंटर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के गार्ड जाएंगे, आएंगे गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर कितने बड़े बच्चे बैठे काउंटिंग करेंगे, और पूरी की पूरी बस आधा किलोमीटर अंदर जाएगी, हाफ किलोमीटर, क्योंकि वो टिकट से काउंटर से पॉइंट अंदर है आधा किलोमीटर अंदर, तो वहाँ पे आपको चल के नहीं जाना है, बस अंदर लेके जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पे आपका पहला हम लोग दिखाएंगे नेहरू साइंस सेंटर, वहाँ पे आपको देखना है एरोपे, सॉन्ग एंड एयरिंग, बुलबुलैया, न्यूक्लियर गैलरी, साइंस, ये चीज़ देखना है आपको। और उसी के अंदर एक 40 मिनट का शो दिखा दे। आप लोग ने डोम थिएटर का नाम सुना है, तारामंडल देखा है, दिन में तारे दिखा दे, गोल शेप में थिएटर रहता है, सीट के ऊपर लेट के आसमान में देखा जाता है, जिसे प्लैनेटोरियम कहा जाता है, तारामंडल। लेकिन हम लोग तारामंडल नहीं दिखाएंगे, आज नया शो दिखाएंगे, साइंस ओडिसी शो, मुंबई में पहली बार है साइंस ओडिसी, सीट के ऊपर लेट के आसमान में 35-40 मिनट का शो होता है, वो दिखाएंगे। तो जैसे भी आप लोग ग्रुप वाइज है, 2, 4, 5, 10 अपना अपना ग्रुप वाइज चेंज निकल के रहे, 290 पर पर्सन। आगे वही बच्चे फ्री रहेंगे जो 2 साल के नीचे है, और 2 साल से लेके 100 साल तक है उसका आगे सेम टिकट है। और कोई बच्चा 100 साल के ऊपर रहेगा ना तो मुझे बताएगा, मैं मेरे तरफ से फ्री करूँगा।
तो जैसे भी आप लोग ग्रुप वाइज है 2, 4, 5, 10 अपना अपना ग्रुप वाइज चेन निकाल के रखेंगे, क्योंकि मुझे आगे रनिंग पॉइंट भी बताने हैं, कलेक्शन भी करना है और बुकिंग भी करनी है। तो फटाफट अपना ग्रुप वाइज चेंज निकल के 290 पर पर्सन। और अगर किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट करना है तो मेरा नंबर दिया है ना 8779282993, उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मुझे बता के। और यहाँ से आपके लेफ्ट साइड में देखना है जो ग्रीनिश एरिया नज़र आ रहा है ना, वो मुंबई का मोस्ट, अभी हम लोग वहीं देखने जा रहे हैं, हैंगिंग गार्डन, कमला नेहरू पार्क और बूट हाउस। वहीं पे लास्ट कॉर्नर पे देखिए एक रेड एंड व्हाइट कलर का बंगला दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, बता सकते हैं किसका है? गेटवे ऑफ इंडिया के सामने आपको बसें बहुत सारी मिल जाएंगी, 250 रुपये की टिकट लेके आप पूरा दिन टूर कर सकते हैं, जुहू चौपाटी, बैंड स्टैंड, हाजी अली और भी बहुत सारी। मुंबई।